करेंगे उससे आप फर्क और कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिलेगा। तो ऑफ कोर्स हम थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप लोग पहले हम इस सिंपल चीजों पे बात कर लें कि जैसे कि हम जो ये कोर्स है जिसका आज आप वेबिनार अटेंड कर रहे हो वो दो शब्दों का बना है, राइट? क्रिस्टल शमानिज्म। तो आप सब लोग क्रिस्टल्स के बारे में कौन कौन जानता है या किस किस को उसके बारे में? ऑफ कोर्स आई थिंक सबने सुना ही होगा क्रिस्टल वर्ड, कि कोई नया ऐसा है जो कह भी सकते हैं कि मैंने कभी क्रिस्टल्स के बारे में सुना नहीं, या मुझे क्रिस्टल्स रखने का शौक नहीं है, या मैंने कभी क्रिस्टल्स को नहीं देखा है। आप लोग सबके जो फोटो हैं वो थोड़ी ऊपर को क्यों आ रही है? कैमरे में कुछ तो नहीं। हाँ, कौन बोलना चाहेगा? क्रिस्टल्स हैं किसी के पास कि किसी के पास भी क्रिस्टल्स नहीं है आप में से? नहीं है, मैं मेरे पास नहीं है। अच्छा, आपने अपने हाथ में पहना हुआ है क्रिस्टल, बट ये फोटोज कट रही है, देयर सीम्स टू बी सम प्रॉब्लम। तो शायद आपके तरफ से होगा मैम, आपका तो यहाँ पे ठीक आ रहा है, हम लोग के साथ ठीक आ रहा है, और हम लोग भी यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सबका फोटो भी ठीक आ रहा है। नहीं, मैं सिर्फ ये चाहती थी कि रिकॉर्डिंग में ठीक आए, ठीक है? अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हैं और मैं एक दूसरे को भी देख पा रहे हैं तो अच्छी बात है। तो क्रिस्टल्स जो है, जैसे कि आपने बोला कि आपने हाथ में बीट्स का क्रिस्टल पहना हुआ है, कुछ लोग कुछ अलग अलग तरह के क्रिस्टल्स रखते मैम गुड हैं। गुड मॉर्निंग मैम, मैंने मॉर्निंग। एमेथिस्ट पहना हुआ मैम माला। हाँ, राइट, करेक्ट। तो सबके पास कुछ ना कुछ तरह से, कोई घर में कोई डेकोरेशन पीस, मतलब डेकोरेशन मतलब इन द सेंस सेंटर पीस में कुछ लोग क्रिस्टल्स रखते हैं, कोई अलग अलग वास्तु के हिसाब से क्रिस्टल्स रखते हैं, कुछ पहनते हैं क्रिस्टल्स। तो क्रिस्टल्स कहाँ से आते हैं? आपको आइडिया होगा ना किधर से आते हैं? आप तो दुकान से खरीदते हैं, लेकिन दुकान में भी तो कहीं से आते होंगे ना? धरती के अंदर से निकलते हैं हम। हाँ जी, धरती के अंदर से। ओके, सो क्रिस्टल्स का धरती से कनेक्शन है, राइट? दे आर फ्रॉम अर्थ, है ना? और जब हम, ठीक है, ये तो क्रिस्टल्स के बारे में है, तो सबने कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सुना ही है, किसी को मालूम है कि क्रिस्टल्स क्या होते हैं, पर शमानिज्म के बारे में कितने लोगों ने सुना आप में से? गुड मॉर्निंग प्रेरणा, मैं सिर्फ आप? सुना है कि कोई वो मतलब जानवर जानवर का कुछ एनर्जी को मतलब कुछ उसमें इन्वोक किया जाता है, उसको शमानिज्म बोला जाता है शायद, ओके पशु पक्षी जानवर ये सब हो, लेकिन हाँ, ओके मैं जानता हूँ सिर्फ, मतलब किया नहीं है, मैं क्लास किया नहीं है, कोशिश किया नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा इतना सुना है। ओके, मतलब आपने सुना है कि जानवरों की एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है, जानवर या पक्षी या पेड़ पेड़ और ये सब, लेकिन जी क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्या पर्पस है, वो आपको पता नहीं है ना? राइट, जी ठीक है। और किसी और ने सुना है? सिर्फ यस मैम, मैंने सुना है मैम ओके, तो आपने क्या सुना है उसके बारे में? कि हम लोग जैसे कि जो पेड़ पौधे होते हैं या फिर पशु पक्षी होते हैं उससे कनेक्ट करें, क्योंकि उनकी एनर्जी जो होती है ना कि हाई होती है, तो कोई भी हीलिंग करने में वो मतलब कि बहुत अच्छे से वो अपलिफ्ट करती है एनर्जी जो है कि पावरफुल हीलिंग ओके करने में। ओके ओके, मतलब एक है कि आप उनकी एनर्जी आपसे पावरफुल है, राइट? है ना, यस मैम करेक्ट? वन वर्ड ये है आपका कहना। दूसरा चीज है कि वो आप हीलिंग के लिए इस्तेमाल कर, राइट? जी है मैम ना, यस मैम ओके ओके। तो एनिमल और हमारा क्या कनेक्शन है? कोई कनेक्शन है हमारा एनिमल से या प्लांट से या इस सृष्टि से ही, आई कि थिंक हम एंसेस्टर लिनिएजेस वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं हम हमारे से। मतलब कि आपको लगता है कि वो हमारे एंसेस्टर्स थे पहले यस और अब हम इंसान बने हैं, तो पहले हम जानवर थे फिर हम इंसान बन गए, है ना?
जी ओके ठीक है ओके सो मींस ओवर द एवोल्यूशन जो है हमारा जो है तौर तरीके या हमारा अपियरेंस जो है वो एनिमल से शिफ्ट हो गया है ह्यूमन बीइंग्स में, है ना? राइट जी जैसे एनिमल्स जो है वो तो चार पैरों पे चलते हैं, हम दो पैरों पे चलते हैं, हमारे दो हाथ हैं, है ना? तो मे बी इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑल्सो वी हैव एलिवेटेड, सो हम पहले झुकते थे, अभी हम सीधे खड़े हो गए, है ना? राइट, पर एनिमल्स फिर भी हैं, ऐसा नहीं है कि एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो गए हैं। कुछ एनिमल्स जी ऑफकोर्स स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, कुछ स्पीशीज अभी भी हो रही हैं एक्सटिंक्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और कुछ शायद फ्यूचर में नहीं रहे, लेकिन फिर भी इंसान जो है उसकी पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, इंसान तो बढ़ रहा है, राइट? बट आई थिंक कि वो एनर्जी वर्ल्ड में एक अलग किंगडम है जो बहुत पावरफुल है, ऑलवेज रेडी टू हेल्प. वी शुड एनिमल किंग, कनेक्ट. हाँ, एनिमल किंगडम, नॉट ओके ओके ओनली फिजिकल वर्ल्ड, इन हायर डायमेंशन ऑल्सो. ओके ओके ठीक है ठीक है। तो अगर हम ये सोचें कि भगवान ने हम सबको जन्म दिया है ना, राइट? डिवाइन, जो भी भगवान बोलो, डिवाइन बोलो, या कोई है जिसने, हम सब इस धरती पर आए हैं, है ना? राइट करेक्ट, जी एनिमल्स भी इस धरती पर रह रहे हैं ना, या तो वो धरती पर रह रहे हैं या मतलब आकाश में भी उड़ते हैं, लेकिन या पानी के अंदर हैं, लेकिन वो इस प्लैनेट अर्थ का पार्ट है, दे आर पार्ट ऑफ दिस प्लैनेट ऑफ अर्थ, राइट? है राइट. ना? और हम भी, वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस प्लैनेट, राइट? हम में कॉन्शियसनेस है, हम में दिमाग है, हम में सोच है, हम में तौर तरीके हैं, तो क्या एनिमल्स में ये तौर तरीके, सोच, विचार, कर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजमेंट, जो स्किल्स हम इतनी बोलते हैं, तो वो सब है उनमें? यस, फॉर श्योर. ओके सो उनमें भी है, हम में भी है, मतलब हम में और उनमें समानता है, राइट? यस. आप जब क्रिस्टल्स भी उसी तरह से आप हीलिंग के लिए इस्तेमाल करते हो, तो इसका मतलब कि क्रिस्टल्स में भी कुछ एनर्जी है? बिल्कुल, मिनरल किंगडम पूरा हमारी हेल्प करता है. राइट. हाँ राइट राइट सो हर कोई एक दूसरे की हेल्प कर रहा है, एक दूसरे की मदद कर रहा है, राइट? और हर किसी का इस सृष्टि पे रहने का अधिकार है, इक्वल अधिकार है, कोई किसी से बड़ा या किसी से छोटा नहीं है, राइट? भले ही अलग बात है कि हम उनको कैसे ट्रीट करें, हम ये सोचें कि गधा तो गधा होता है और वो हमसे, या कुछ जानवर हमसे कमजोर है क्योंकि हमारे पास मस्कुलर पावर है, हमारे पास पावर ऑफ द गन है, हमारे पास बहुत सी ऑटोमेटेड चीजें हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं और उनको कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? लेकिन फिर भी पावर तो उनके पास है, अगर वो एक साथ एकजुट हो जाए पूरा एनिमल किंगडम या मिनरल किंगडम और सब किंगडम, तो इंसान की इतनी जरूरत नहीं हो पाएगी कि वो उनके सामने खड़ा हो पाए, राइट और नो? क्या आप, जब नेचर, जब आपसे वो करता है नेचर, जब भी वॉल्केनो आते हैं, टोर्नेडोज आते हैं, या बाढ़ आती है, जो भी आती है, उसमें इंसान अपने आप को कमजोर पाता है कि नहीं पाता बिल्कुल. है ना? अपने आप को कमजोर पाता है, राइट? सो इसका मतलब कि देर इज अ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इस्टेब्लिश हो गया कि दे आर पावरफुल, है ना? राइट, एंड दे ऑल्सो हैव कनेक्शन विद अस, उनका हमारे साथ कनेक्शन है, और हम वो कनेक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमें आगे बढ़ना है जिंदगी, राइट? सो बेसिकली जो ये क्रिस्टल शमानिज्म, अब मैं बोलूंगी कि शमानिज्म क्या है, तो पहले जो आज हम ये बोल रहे हैं, पर बहुत से हम में से ऐसे लोग हैं जो इस बात को शायद स्वीकार भी नहीं करते और शायद इस चीज को मानते नहीं है कि कहीं ना कहीं जानवर हमारे से पावरफुल है या जानवर हमारे जितना पावरफुल है, क्योंकि हमने जानवरों को अपने चीजों के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया, तो जब हमने उनको इस्तेमाल करना शुरू किया, चाहे वो घोड़ा हो, हाथी हो, या गधा हो, वो एक तरह से हमारा एक सर्वेंट हो गया, है ना?
तो वी हैव अ पावर, हम उससे कार्य कराते हैं, वो काम करता है, और हम उसको मजदूरी देने की हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि एनिमल हमसे क्या मजदूरी मांग लेगा, या तो हम उसको खाना खिला देंगे एट द मोस्ट, और जब वो उसकी जरूरत हमें नहीं है तो हम उसको मार सकते हैं। लेकिन ये विचार आज के इंसान के, ये थॉट प्रोसेस आज का इंसान का, पर जब हमारे पूर्वज, पूर्वज मतलब मैं बहुत ही पुराने पूर्वजों की बात कर रही हूँ, इवन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आपके दादा परदादा, शायद उनसे भी बहुत हजारों साल पहले जब इंसान इस धरती पर आए थे, और जब उनको मालूम था कि बहुत सी चीजें पहले उनके आने से इस प्रकृति में थी, तो उनको ये सेंस था कि ये सब चीजें उनके बराबर हैं और उनके जितनी ही उनकी अहमियत है इस धरती पर, राइट? सो भले ही मैंने एज अ खाने के लिए एक जानवर का शिकार किया, लेकिन मैं जानता हूं कि वो जानवर का शिकार सिर्फ मेरे एंटरटेनमेंट, मजा मस्ती और शौक के लिए नहीं है, बल्कि एक नीड और रिक्वायरमेंट के लिए है। और क्योंकि मुझे उस जानवर का शरीर मिल रहा है खाने को, तो मैं ये कहीं ना कहीं उसका कृतज्ञ, उसके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहा हूँ, करता हूँ। और इवन ये नहीं, जो भी उस जानवर का शरीर जो मैंने उसको जो भी हंट किया है या उसका शिकार किया है, उस शरीर का और उसके हर एक अंग का मैं सही प्रयोग करूँ। तो इसीलिए अगर आप पहले जमाने में देखो तो एक भी चीज ऐसे ही छोड़ नहीं देती जाती थी, फेंक नहीं देती जाती थी, उसका ऐसे ही बहिष्कार नहीं किया जाता था, बल्कि उसका सही तरह से सदुपयोग किया जाता था। अभी रिसेंटली मैं कोई पिक्चर देख रही थी, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर थी, उसमें ये पंकज जो अच्छे एक्टर हैं वो थे, तो उन्होंने वो जंगल में जाते हैं, और वहाँ पे आई थिंक शे उनके उनके उसमें कुछ वो होता है कि वो स्कीम लेना चाहते हैं जिससे कि जंगल के जो एनिमल्स हैं अगर अगर शिकार करें या आपके विलेज पे अटैक करें तो आपको इतना करोड़, इतना पैसा, 20 लाख शायद गवर्नमेंट देगी ऐसे करके। तो उनका बहुत गरीब गांव है, तो वो सोचते हैं कि ये इस तरह से मैं अगर करूंगा तो मैं अपने आप को ऑफर करता हूँ शेर को। तो वो शेर को ऑफर करने के लिए जंगल में जाते, वहां पे उनके सामने एक टाइम आता है जब शेर आता है और शेर सामने बैठा है। सो वो जो शेर है वो ह्यूमन बींग्स का शिकार नहीं करता है, ह्यूमन उसको मारता नहीं है, उसका ये असूल नहीं है। तो और जो उनके साथ पोचर होता है वो उनको ये बोलता है कि ये शेर आपको नहीं मारेगा क्योंकि उसका ये तरीका नहीं है, दूसरी चीज वो अभी भूखा नहीं है, इसके लिए वो आपका शिकार नहीं करेगा। तो आप देखो, एक इंसान और एक जानवर, जानवर जब भूख लगी तो ही खाता है, जितना चाहिए उतना ही खाता है। इंसान भरपूर खाता रहता है, कभी भी खाता रहता है, कभी भी अपने पेट को भर सकता है चाहे उसने ऑलरेडी खाना खा लिया, राइट? दैट इज द टेंडेंसी ऑफ द ह्यूमन बींग्स। ओके, सो एनीवे वी विल नॉट गो इनटू द फिलोसफी, लेकिन व्हाट आई वांट टू से बाय दिस इज कि पहले जमाने में जो लोग होते थे, दे वर अवेयर कि हर एक में कॉन्शियसनेस है, हर एक में अवेयरनेस है, एंड एवरी बींग, वेदर लिविंग और नॉन लिविंग, इज इम्पॉर्टेंट, हैज वैल्यू, इज कनेक्टेड, एंड वी बिलोंग टू द कनेक्टेड वेब ऑफ लाइफ। दैट वॉज द स्पिरिट ऑफ मैन। ओके, ओवर द पीरियड धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़े, तो हम इसीलिए पहले जमाने के जो लोगों के ट्रेडिशंस होते थे, उनके रिचुअल्स होते थे, उनके सेरेमनीज होते थे, दे यूज टू बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दीज एनिमल्स। ओके, अब उस समय में एक जना होता था, जैसे कि इश्यूज आज ही नहीं है, इश्यूज उस समय भी होते थे, हो सकता है इश्यूज के तरीके और जिस तरह के इश्यूज होते थे वो अलग तरह के थे। तो डॉक्टर्स तो तभी थे नहीं, मेडिकल साइंस वॉज नॉट देयर, राइट? मेडिकल साइंस तो बहुत बाद में आई है, पर उस समय भी उपचार होते थे, उस समय भी सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाते थे, उस समय भी चीजों के ऊपर काम किया जाता था। तो ये कौन करता था? ये होता था शामन। शामन इज अ पर्सन हु इज लाइक अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, अ पर्सन हु कुड डायग्नोस, अ पर्सन हु वाज अ काउंसलर, अ पर्सन हु अंडरस्टूड एवरीथिंग।
एंड ही कुड हेल्प द कम्युनिटी द ट्राइब। ओके, अब वो कैसे हेल्प करते थे उस समय? तो जो आपने पहला स्टार्टिंग में बोला कि पावर एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, इन सब का इस्तेमाल वो करते थे, इनसे वो नॉलेज अक्वायर करते थे। और वो अलग अलग जगह पे जाते थे, अलग अलग जगह का मतलब जर्नी, नॉट इन द रियल वर्ल्ड, इन दी अदर वर्ल्ड, जिसको हम शामन रियलिटी बोलते हैं, जहां पर जो चीजें हमारी आंखों से आज हम नहीं देख सकते, वो चीजें वह समझ सकते थे, टू व्हेन दे रीच दैट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ओके, तो उस हिसाब से इस धरती को या इस मंडल भूमंडल को, भूमंडल नहीं बोलेंगे, ऑफकोर्स धरती तो नीचे है, लेकिन अगर आप पूरे हेमिस्फेयर इसको आप थ्री रेल्म्स में डिवाइड कर सकते, तो इसमें अपर है, लोअर है और मिडिल वर्ल्ड है। मिडिल वर्ल्ड है जो जहां हम सब रह रहे हैं, और हमारे से ऊपर अपर वर्ल्ड है, और नीचे भूमंडल जो पाताल लोक है, वो लोअर वर्ल्ड है। तो वो ये वर्ल्ड्स में जर्नी करते थे, एंड थ्रू जर्नी मतलब दे यूज्ड टू गो इन ट्रांस, और वो यहाँ पर ट्रैवल करते थे विद बीइंग हियर ओनली। ये नहीं कि वो डक करके नीचे घुस जाते थे या वो उड़ के वहां पहुंच जाते थे, नहीं, लेकिन यहाँ बैठे बैठे ही वो उस मेडिटेटिव स्टेट में जा पाते थे, जिससे कि वो कनेक्ट कर पाते थे वहां की एनर्जीज, और उसके लिए उनके सहयोगी होते थे पावर एनिमल्स, ट्रीज, प्लांट्स, ये सब भी उनको, बिकॉज इन सब के पास मेडिसिन है। हमें मालूम है कि एनिमल्स जो हैं या प्लांट्स जो हैं, ट्रीज हैं, देर इज लॉट ऑफ, आजकल तो बहुत ट्री लाइफ की, प्लांट्स के जो मेडिसिन वैल्यूज हैं, वो सब का बहुत ज्यादा बोलबाल है सब जगह पे, एंड पीपल आर यूजिंग देम फॉर ट्रीटिंग देमसेल्फ। तो वो इनके थ्रू जो, जैसे कि विद द हेल्प ऑफ द एनिमल्स या स्पिरिट गाइड्स, वो ये चीजें परफॉर्म करते थे, जिससे कि जिसमें कि अलग अलग चीजें थी। कभी कभी वो खुद जानवर बन जाते थे, कभी जानवर उनके अंदर आ जाता था, कभी दैट इज कॉल्ड एज अ शेप शिफ्टिंग, या कभी कभी उनमें ऐसी चीजें थी जिससे कि वो आकाशिक रिकॉर्ड्स भी एक्सेस कर सकते थे, एंजल्स को मिल पाते थे, एंसेस्टर्स को मिल पाते थे, और उनसे जो उस पर्टिकुलर इंसान को कोई प्रॉब्लम है, जो जिसने उनको व्यक्त की है, उसका क्या सोल्यूशन, कैसे मिले, किस तरह से उसको हो, वो वहां पे खोज के और वो मेडिसिन उसको देते थे या उसका पूरा उपचार होता था। सो दिस इज व्हाट द वर्क वाज ऑफ शामन। अब ये क्रिस्टल शामनिज्म क्या है? ओके, सो क्रिस्टल शामनिज्म इज बेसिकली जब ये दोनों चीजें एक साथ मिल जाए, मतलब आप भले ही पावर एनिमल्स को इस्तेमाल कर रहे हो, आप टीचर प्लांट्स ट्रीज को भी इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन क्रिस्टल को भी इस्तेमाल कर एज अ हीलिंग प्रॉपर्टी। तो दिस कोर्स इज नॉट फॉर टीचिंग यू अबाउट क्रिस्टल्स, कि भाई ये क्रिस्टल्स की ये क्वालिटी है, इसकी ये क्वालिटी, ये ऑफकोर्स वो आएगा उसके अंदर, लेकिन इट इज हाउ एज अ शामन यू विल यूज इन योर डिफरेंट विजुअलाइजेशन, मेडिएशन, मेडिटेशन एक्सरसाइजेस, क्योंकि उनके जो ट्रैवलिंग, जो भी वो कार्य करते थे, उसमें मेडिटेटिव स्टेट या ट्रांस स्टेट जो इस्तेमाल होता था, उसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे इन क्रिस्टल्स। और अलग अलग तरह की बहुत सारी चीजें हैं जहां जहां शामन्स जा सकते थे, जैसे मैंने आपको बताया कि लोअर वर्ल्ड है, मिडिल वर्ल्ड है, अपर वर्ल्ड है, उसी तरह से उनका कनेक्शन हर एक चीज के साथ, चाहे वह मून है, सन है, चाहे हमारे पांच तत्व हैं, चाहे वह एंसेस्टर्स हैं, चाहे वह हमारे शैडो सेल्फ है, वो सब के सॉल्यूशंस को खोजने के लिए ये क्रिस्टल्स को अलग अलग तरह से कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, और पूरा एक ट्रांसक्रिप्ट कैसे आप वो करेंगे परफॉर्म, और फिर वहां पे आप क्या एक्सपीरियंस करेंगे, और वो एक्सपीरियंस से आपकी हीलिंग होगी, उसके अलावा आपके जो भी क्लाइंट्स हैं या जिन जिनों जिनको आप जानते हैं, फैमिली मेंबर्स हैं या जो भी हैं, उन सबकी भी हीलिंग। सो दिस इज वॉट इज वॉट वी आर गोइंग टू डू इन क्रिस्टल शामनिज्म। सो सबको कुछ आइडिया लगा, कुछ समझ में आया, ऑल्दो मैंने अभी तक ट्रांसक्रिप्ट भी नहीं, अभी तक अपना ये भी नहीं चालू किया है, लेकिन दिस इज वॉट इज हम इसमें ये बात करने वाले।
मैम लास्ट में जो आपने कहा वो रिपीट करेंगे थोड़ा कि ओके कैसे ओके सो मतलब कि देखिए अलग अलग तरीके होते हैं हम जिससे जर्नी करते हैं ना, जैसे कि आपने तो अटेंड किया बाय बेसिक शामनिज्म है ना, उसके अंदर हम पावर एनिमल्स को इस्तेमाल कर रहे थे, स्पिरिट गाइड्स को इस्तेमाल कर रहे थे, राइट। एक दो एक्सरसाइज में हमने क्रिस्टल्स को भी यूज किया है, राइट। लेकिन ये जो प्रीडोमिनेंटली है इसमें हर चीज में हम क्रिस्टल्स, अलग अलग तरह के क्रिस्टल्स को इस्तेमाल करेंगे। जरूरी नहीं है कि आपके पास वो क्रिस्टल होना चाहिए, ओके हो सकता है आपके पास क्रिस्टल नहीं है, कई लोगों के पास कुछ क्रिस्टल होंगे, उसमें से भी देखा जा सकता है जो क्रिस्टल किसके लिए आइडियल सिचुएशन है या किस चीज के लिए इस्तेमाल हो सकता है, और फिर वो क्रिस्टल के साथ प्लस द नॉर्मल शमानिक वे जो हम करते हैं जिसमें जर्नी जो करते हैं विथ डिफरेंट प्लेसेस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट, हमको क्या चीज में हील करना है, तो हम वो जर्नी करेंगे थ्रू क्रिस्टल। आप ओके समझ मैम, यस यस मैम। ओके सो जैसे कि हम थोड़ा मैं आज करूंगी ऑफ कोर्स आज का। सो बेसिकली अभी आपको ये चीज क्लियर हुई है कि शामन जो है वो बेसिकली एक हीलर है, ओके वो मेडिसिन पर्सन है, उसके पास बहुत नॉलेज है, पर ऑफ कोर्स अब हम कैसे शामन बनेंगे, राइट। क्योंकि शामन जो थे वो ऐसा नहीं है कि आपके एक कोर्स कर लिया या आपने एक छोटा सा कुछ जरा सा पढ़ लिया 2 महीने का 3 महीने का एंड यू बिकम अ शामन, नहीं। शामन इट इज लाइक अ लॉट ऑफ इंटर्नशिप, लॉट ऑफ ट्रेनिंग, रियल लाइफ ट्रेनिंग यूज टू बी देयर। और वो ऐसे या तो फैमिलीज में पैदा होते थे जहां पे ऑलरेडी शमानिज्म प्रैक्टिस होता था, तो ये बहुत पहले की बात है। तो ऑब्वियसली क्या हुआ है, धीरे धीरे देर हैज बीन अ डिसरप्शन है ना, जब हमारे पास जब हम पहले के इंसान जो था अगर उसमें शामन्स होते थे, जो अभी भी ऐसी ट्राइब्स हैं, आप पेरू में जाओ, आप नेपाल में जाओ, आप हमारी कंट्री में भी अंडमान निकोबार में जाओ, आप अरुणाचल प्रदेश मेघालय ये सब जगह पे जाओ, वेयर यू कैन सी द पीपल जो अभी तक वो फॉलो करते हैं, उनकी क्लोथिंग, उनका तौर तरीके, उनके कनेक्शन टू द नेचर, कनेक्शन टू द अदर बीइंग्स वैसा ही है, उनका जो खान पान है वो उसी प्रकार का है, उनकी लैंग्वेज हो सकता है विच यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, राइट। सो अगर आई थिंक आई रिमेम्बर जब बेसिक हम कर रहे थे तो मैंने आप लोग को वेब सीरीज भी बताई थी जो आई थी बहुत इंटरेस्टिंग, जो उसके ऊपर ही थी जिसमें ये ट्राइब्स के बारे में बात थी, आज मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, मे बी आई रिमेम्बर इट। और तो ये सब चीजें जो हैं अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, लोग पेरू जाते हैं, ओके पेरू में बहुत बड़ा जगह है जहां पे ये सब एंशंट हीलिंग्स होती है, अमेजोन फॉरेस्ट जाते हैं, ओके सो साइबेरिया है, मैंगलोरियन ट्राइब्स हैं, सो देर इज लॉट ऑफ थिंग, एंड धीरे धीरे वेस्टर्न वर्ल्ड हैज बिकम ऑब्सेस्ड विद शमानिज्म, सो वो पढ़ा रहे हैं शमानिज्म विच इज गॉन फ्रॉम द ईस्टर्न कल्चर टू द वेस्ट, तो वेस्ट ने उसको कोलेट किया है, उसको ज्वाइन किया है, उस पर रिसर्च किया, उसको सब कोर शमानिज्म एज अ मॉडर्न शमानिज्म प्रेजेंट किया है, लेकिन ऑफ कोर्स प्रैक्टिसेस और जो चीजें हैं तौर तरीके वो वहां के ही चीजों को लाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम दूसरे जो प्राणी हैं, दूसरे बीइंग्स, नॉन लिविंग बीइंग्स, सबका स्पिरिट है, सब में कॉन्शियसनेस है, उसको जब हम समझते हैं। देखिए हमारा कल्चर वैसे भी बोलता है कि कण कण में है ईश्वर, कण कण में है भगवान, कण कण में है डिवाइन प्रेजेंस, राइट। लेकिन उसके बावजूद हम कहीं ना कहीं ये चीज को भूल गए इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी है ना, इन टर्म्स ऑफ कनेक्शन हम भूल गए हैं कि जब आप कोई भी चीज कर रहे हो क्या आप इस सोच विचार के साथ कर रहे हो कि वो चीज का असर औरों पे या और बीइंग्स पर क्या होगा, और इसीलिए आप नेचर से डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। जब हम धीरे धीरे डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं तो हमें पावर लॉस, राइट, पावर लॉस लीड्स टू मेजोरिटी ऑफ द डिसीज, पावर लॉस इज व्हेन यू आर लूजिंग योर पावर, यू आर बिकमिंग, हम सोच रहे हैं हम पावरफुल हो रहे हैं
कि हम ताकतवर हो रहे हैं, हम चीजों पे कैप्चर कर रहे हैं, चीजों को अक्वायर कर रहे हैं, चीजों के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन उसके उल्टा हो रहा है, क्योंकि हम उस चीजों से अलग हो रहे हैं, भिन्न अपने आप को कर रहे हैं, अपने आप को सेक्लूड कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमारे अंदर पावर लॉस है। ऑल्सो बिकॉज ह्यूमन बींग्स खुद में भी आपस में जब झगड़ा है, आपस में बहुत सी चीजें हैं, तो हम कहीं ना कहीं सोल लॉस भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि हम वी आर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ ट्रॉमा, लॉट ऑफ मेंटल इश्यूज, लॉट ऑफ डिप्रेशन, लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दैट, वेयर वी आर लूजिंग पार्ट्स ऑफ आवर सेल्फ, इनर पार्ट्स ऑफ आवर सेल्फ, और आर इनर पार्ट्स आर बिकमिंग आर ओन डेमन। सो वो फर्क आ रहा है। सो नाउ दिस दैट्स अ रीजन के ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल आर ट्राइंग टू बिकम, शमानिज्म इज अगेन अवेकनिंग, इट इज कमिंग अगेन इन फोर्स। ओके, सो ये मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि आप वैसे कपड़े पहन के घूमना शुरू कर दोगे या इस तरह के खान पीन करना चाहिए, लेकिन उनके तरीकों को, उनकी समझ को, उनकी रिस्पेक्ट जो उनकी थी और चीजों को, तो जब हम पावर एनिमल को यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं हम सृष्टि से फिर से कनेक्ट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जब हम स्पिरिट गाइड्स को यूज कर रहे हैं, जो कि आज की दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन वो हैं पहले जमाने, तो हम उनकी नॉलेज, उनके सोच को जब हम उनसे कनेक्ट कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं सृष्टि से वापस से अपना कनेक्शन कर। ओके, तो सो मैम दैट यहाँ पे इज, मेन फोकस हमारा क्रिस्टल पे रहेगा। हाँ देखिए, मैं ऑलरेडी बेसिक कोर्स ले चुकी हूँ शमानिज्म का, ओके, जिसमें कि मैंने लोअर वर्ल्ड अपर वर्ल्ड वो का एक्चुअली करना था की। मैम, बट वो टाइमिंग है ना, इवनिंग का वो ऑफिस टाइम रहता है, इसलिए प्रॉब्लम रहती है। नहीं, कोई बात नहीं। एंड अभी मैं एडवांस ले रही हूँ जिसमें लोअर वर्ल्ड कर रही हूँ। ओके, सो ओके, वो सब उसमें, लेकिन ये मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए इंट्रोड्यूस किया, बिकॉज दिस इज समथिंग आई वांट एवरीबडी टू अंडरस्टैंड शमानिज्म एंड एवरीबडी टू कनेक्ट। लेकिन कई लोगों को शौक शायद क्रिस्टल्स का ज्यादा है। सो क्या होता है, एज यू डेवलप, आप इसको एक स्पेशलिटी भी बना सकते हो, कि कई लोग होते हैं वो सिर्फ क्रिस्टल्स में प्रैक्टिस करते हैं, कई लोग होते हैं दे प्रैक्टिस ओनली विद वाटर एलिमेंट्स, कुछ लोग होते हैं दे प्रैक्टिस मोर विद रिचुअल्स एंड सेरेमनीज। सो इस तरह से अलग अलग, लेकिन आई एम कवरिंग मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स जो मैं दूसरे कोर्स में कर रही हूँ, बट विद क्रिस्टल। सो जो लोग ने ऑलरेडी बेसिक का भी किया है, एडवांस भी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये फायदा है, क्योंकि वो एक और नॉलेज उनके साथ असाइन हो जाती है। उसके अलावा जो लोग नए हैं, जिन्होंने कभी नहीं किया है, जिनको कोई आइडिया नहीं है, उनके लिए इट्स लाइक अ बोनस, उनको एक चीज प्लेटर के ऊपर मिल जाती टाइमिंग्स क्या रहेंगे मैम? मॉर्निंग रहेंगे क्या? है। नहीं, मॉर्निंग, आई थिंक वी आर प्लानिंग सैटरडे संडे 11 o'clock और बेस्ट, समथिंग। फिर तो मैं इनू पक्का। एक सैटरडे संडे को है, एक और मेरा कोर्स आ रहा है वो आई थिंक मंडे वेडनेसडे, वो मॉर्निंग चार। मॉर्निंग इज गुड फॉर मी एक्चुअली, क्योंकि आफ्टर 12 और 1 o'clock तो वो सारा ऑफिस का हो जाता है। नहीं, ये शायद सैटरडे संडे हम लोग प्लान कर। परफेक्ट। ओके, सो बेसिकली हम जो ये इसकी हीलिंग को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमको अपनी लाइफ में बैलेंस लाना है, माइंड, इमोशन, फिजिकल बॉडी, स्पिरिट एंड सोल, सबका कनेक्ट, सब चीजों की हीलिंग आपके इसके थ्रू होती है, नॉट जस्ट वन एस्पेक्ट। ओके, और ये बहुत अलग तरह की हीलिंग है। पीपल हु हैव जॉइंड, आई थिंक प्रमिला ने किया हुआ है और भी कुछ लोग हैं, उनको पता है कि इट्स नॉट अ नॉर्मल टाइप ऑफ अ हीलिंग। हीलिंग इज इंटेंस, इट इज क्वाइट फास्ट, इट इज डिफरेंट। जिस तरह की हीलिंग हम और चीजों से करते हैं वैसे नहीं है। अब याद आ रहा है, पहले सुनते थे कि हकीम लुकमान पेड़ों से बात करते थे और उनसे हाँ, पूछते थे कि किस काम आओगे। दिस इज व्हाट शामनिज्म, अब इसमें राइट। यस यस करेक्ट। देखिए, आपको मालूम है, आप तो स्पिरिचुअलिटी में काफी हैं, एक कासर देवी का मंदिर है अल्मोड़ा में। ओके, आपको मालूम है उसकी कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा है। ओके, दुनिया में तीन ही जगह हैं जिनकी कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा है, उसमें से एक है कासर देवी का मंदिर। कितने लोग वहां गए?
नो मैम, कितने मुझे तो लोग, आज आपसे पता चल रहा है। मैं वही सुना बोल है, रही हूँ सुना कि है। हम हाँ चीजों का ज्ञान ही नहीं है, हमारे पास क्या चीज है, अनमोल चीजें हैं उनका हमको पता ही नहीं है। हाँ बाकी मैंने वहां का शायद सुना था कामाख्या माता का, तो वहां मैं गया हुआ हूँ। विवेकानंद जी का वहां पे कुछ ज्ञान प्राप्ति हुआ हाँ था क्या? यस यस, विवेकानंद जी का वहां पे है, और दूसरी जगह है पेरू, जहां लोग धड़ धड़ के भर भर के जाते हैं। अच्छा अगर आप आज सुनोगे तो वर्ल्ड में हर कोई पेरू विजिट करता है फॉर दिस हीलिंग, शमानिक हीलिंग। दे गो टू द एमेजोन फॉरेस्ट, वहां पे वो लोग इतने सारे प्लांट मेडिसिन लेते हैं। ऑफकोर्स कुछ इलीगल चीजें भी हैं, ऐसा नहीं है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आप पढ़ोगे अयोध्या एंड यू नो कोको एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट मशरूम्स, उसकी प्लांट मेडिसिन टू गो इन टू ट्रांस एंड हील। ओके, सो प्लांट मेडिसिन तो सबसे ज्यादा आज लाइक इट्स वन ऑफ द मोस्ट सॉट आउट थिंग, या सबसे हाइप्ड जो चीज आज चल रही है। ओके, एंड इवन इन टर्म्स ऑफ शमानिज्म, लाइक वर्ल्ड ओवर अगर आप पढ़ोगे तो इट्स द मोस्ट ट्रेंडिंग थिंग। हर कोई सीखना चाहता है, समझना चाहता है क्या है। मैम, प्लांट मेडिसिन को क्या हम आयुर्वेदा से कनेक्ट कर सकते, या दैट हाँ इज डिफरेंट? कर सकते हैं। देखो प्रॉब्लम क्या है, हमारी कंट्री और हम लोगों में, हमारे पास बहुत कुछ है और हमने बहुत सी चीजों की उपज की है या उसके निर्माता हैं एक तरह से, पर कहीं ना कहीं उनके ग्रंथ उनको लिखने में या उनकी मोर ऑफ अ ओरल कम्युनिकेशन रहा है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि चीजों की जो लिख सकता है, जो उसको सजो सकता है, जो उसको पकड़ के एक साथ बिठा सकता है, वो ही जना आगे बढ़ पाता है ना। तो चीजें क्योंकि विभाजन कुछ भी वजह से कारण से चीजें है, लेकिन वो किसी कुछ ग्रुप्स कुछ कंट्रोल्स कुछ उसमें ही रही, और वो उसके आगे कहीं ना कहीं पर्कुलेट नहीं हुई। पर ऑफकोर्स आयुर्वेदा इज समथिंग जो बहुत है, और कुछ चीजों पे हमने अपना नाम ठप्पा लगा के रखा हुआ है, और हम जानते हैं जैसे योगा है या ये है, तो ये सब चीजें हम जानते हैं, और वो मतलब वर्ल्ड भी जानता है कि वो हमसे आए हैं और हमारे से ही उनका कहीं ना कहीं आ। पर अब समय है जब हमको चीजों को अपने आप को उसमें आगे लाना है, कि जहां हम फोर फ्रंट पे खड़े होके चीजों को वो करें और लोग यू नो समझे कि ये ओके। सो यहाँ पे मतलब जो आप हम ये सब यूज करेंगे, पावर एनिमल्स, प्लांट स्पिरिट, ह्यूमन गाइड्स, क्रिस्टल्स, ये सब का, लेकिन इसका मेन जो तरीका करने का है वो क्रिस्टल के थ्रू। सो जो क्रिस्टल्स हम दूसरा बेसिक कोर्स और उसके अंदर नहीं इस्तेमाल कर रहे जब, तो वो फर्क यहाँ पे आ जाएगा, और ऑफ कोर्स इसकी वजह से उसकी तौर तरीके फर्क होंगे करने के। ओके, सो क्रिस्टल्स का इसीलिए उपयोग होगा क्योंकि वो सेक्रेट गिफ्ट है, बहुत सालों से उनका इस्तेमाल हुआ है वर्ल्ड वाइड में। आपको मालूम है नॉट इवन इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्रिस्टल्स का कितना इस्तेमाल होता है, तो ये बहुत सी ट्राइब्स हैं जो क्रिस्टल्स को अभी भी इस्तेमाल करती हैं। आपको मालूम है इवन जो मम्मीज, इजिप्शियंस में मम्मीज को जो ये करते थे, उनके साथ भी वो लोग क्रिस्टल्स को रखते थे। सो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में भी कंप्यूटर है, इंटरनेट सिस्टम है, वहां पे यूज होता है क्रिस्टल्स, वॉचेस के अंदर क्रिस्टल्स यूज होता है। तो ये सिर्फ एक रॉक नहीं है, उसमें एक हीलिंग प्रॉपर्टी है, हीलिंग वो है, इसके लिए हम उसका इस्तेमाल करें। ओके, सो दे हैव ऑल्सो, और क्योंकि शमानिज्म में हम हर चीज को रिकोगनाइज करते हैं जिसका एक कॉन्शियसनेस स्पिरिट कनेक्शन, जिससे हम कनेक्ट कर सकते। ओके, सो अब हम एक इंटरेस्टिंग वो करने वाले हैं। ओके, आप लोग सब रेडी हैं करने के लिए? प्रमिला आप कुछ पूछ रहे हैं? यस मैम, जैसे मैंने एडवांस नहीं किया है, सीखी हाँ किया है तो चलेगा? हाँ ये अलग ही एस्पेक्ट है, ओके इसमें अलग ही है। इसमें देखो जैसे आपने शेप शिफ्टिंग किया था, हमने उसके अंदर भी किया है ना, इसके अंदर हम क्रिस्टल्स के थ्रू करेंगे। ओके,
अभी तो मैं यहाँ पे एक नॉर्मल शेप शिफ्टिंग कर रही हूँ, जो एक्सरसाइज हम शमानिज्म में भी करते हैं। ओके मतलब यहाँ पे आपका ज्यादा चीजें क्रिस्टल्स के साथ होंगी, वो मैं बोलना चाहती हूँ। ये नहीं है कि आप जो चीजें वहां सीखे वो यहाँ नहीं सीखोगे, यहाँ पे भी सीखो, लेकिन उसको करने का तरीका फर्क हो जाएगा क्योंकि आप क्रिस्टल्स के थ्रू करोगे, है ना, इसके। ठीक है, मैं ये तो आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि लास्ट टाइम जब हमने बेसिक में क्रिस्टल का किया था एक एक मेडिटेशन, तो हाँ, करेक्ट, तभी मैंने क्रिस्टल से कनेक्ट किया था, और उसके बाद ऐसा हुआ कि वही लाइन मेरे सामने आया, मतलब वेंडर मिलने लग गए, होलसेलर मैन्युफैक्चरर, और एक इंडिकेशन आया था कि यहाँ से ये लाइन तेरे लिए बेटर रहेगा करके, तो उसके बाद से धीरे धीरे मैंने स्टार्ट किया। हाँ। क्योंकि ये देखिए, मैं ये एक्चुअली इसके लिए लेके आई हूँ क्योंकि हम सब हीलिंग वर्ल्ड में हैं और काफी लोग हम में से क्रिस्टल्स को इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो क्या होता है, हमारा एक कनेक्शन ऑलरेडी है उसके साथ, तो हम क्यों नहीं कोई चीज ऐसी करें जो हम उसी लाइन में और आगे डेवलप कर सकें, तो हम एक और फेदर ऐड कर दें, है ना। सो इट बिकम्स अनदर फेदर फेदर एडेड टू अस इन टर्म्स ऑफ हीलिंग व्हेन वी आल्सो हैव क्रिस्टल शमानिक हीलिंग। बिसाइड्स आप और भी जो चीजें क्रिस्टल के साथ करते हो, चाहे हाँ वो क्रिस्टल रेकी है, चाहे वो क्रिस्टल ग्रिड बनाते हो, या जो भी आप करते हो, वो तो एक अलग अलग मोडेलिटीज हुई, है ना, राइट। और आप उसके अलावा इसको क्रिस्टल शमानिक हीलिंग भी करने लग गए, तो इट बिकम्स एन एडेड थिंग ना। और आपके पास ऑलरेडी क्रिस्टल्स भी हैं, आपकी नॉलेज, आपको नॉलेज भी है, और आपका कनेक्शन भी क्रिस्टल्स के साथ, राइट मैम, राइट। ओके सो अभी हम लोग जो आज अब जो शेप शिफ्टिंग का करने वाले हैं, वो उसके लिए आपको ऑफकोर्स सबको आंखें बंद करनी होगी। ओके देखिए, शेप शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है, शेप और शिफ्ट दो वर्ड्स का बना है। ओके मतलब आप कोई भी प्रकार के अंदर फिट हो सकते, चाहे वह कोई जानवर है, चाहे वह कोई इंसेक्ट है, चाहे वह पेड़ है, चाहे वह घास मिट्टी कुछ भी हो, आप उसके अंदर शिफ्ट हो सकते हो। दैट इज द प्रॉपर्टी जो शामन्स में थी कि वो किसी भी चीज में शिफ्ट हो सकते थे, या वो चीज को अपने अंदर शिफ्ट कर सकते थे। उसका पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि जब आप किसी चीज में शिफ्ट होते हो, किसी की को अक्वायर करते हो, या किसी को अपने अंदर आने की अनुमति देते हो, अपनी तरह बनने की कोशिश कर, तो आप कहीं ना कहीं उसके अनुभवों को समझ सकते, उसकी लाइफ, उसके ट्रांसफॉर्मेशन को, उसके तौर तरीके को, उसकी एनर्जी को समझ सकते, एब्जॉर्ब कर सकते, और फिर ये एनर्जी आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपको हीलिंग के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, सेल्फ हीलिंग के लिए, या फिर आपके कोई ऐसे दिक्कत या दिमाग में कोई इश्यू चल रहा है, वह भी उससे आंसर मिल सकता। ओके सो मैंने यहाँ पे आज हम ऑफकोर्स बहुत सारी शेप शिफ्टिंग करते हैं, हम ओशंस में, वाटर बेसिस में कर सकते हैं, फायर, अर्थ, एलिमेंट्स के अंदर कोई भी कर सकते हो, उसके अलावा आप शेप शिफ्ट कोई भी एनिमल के अंदर कर सकते हो, कोई भी प्लांट्स, कोई भी ट्रीज, कोई भी चीज के साथ कर सकते हो, यहाँ तक कि एक स्टोन या किसी भी चीज के साथ। ओके अब हम बटरफ्लाई को क्यों चूज किया है, अगर आप देखें बटरफ्लाई के 4 स्टेजेस होते हैं। ओके हम इंसान जो ग्रो करते हैं, तो हम जैसे दिखते हैं बचपन में, धीरे 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 हमारा हाथ पैर, तौर तरीका, दिखने का अपियरेंस, भले ही हमारा फेस का फीचर्स चेंज हो जाए थोड़े बहुत, हम थोड़े फर्क दिखने लगे, लेकिन कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी, वो जो सिमिलैरिटी है वो रहती है, राइट। लेकिन कभी आपने बटरफ्लाई को देखा है, जो बटरफ्लाई को आप बाद में देखते हो, जो जिस जो पंख वाली बटरफ्लाई को आपने कभी भी देखा है, सुंदर बटरफ्लाई को, क्या उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो वैसा ही होता है? नहीं, वो एक एग के फॉर्म में होती है, जो बिल्कुल ही फर्क दिखता है। उसके बाद जो भी उसमें स्टेजेस आते हैं, ऑफकोर्स हम प्यूपा या जो भी आप देखोगे, वो स्टेज कैटरपिलर का, उसका कोई कनेक्शन कोई भी देखने में, या उसका स्टेज में जिस तरह से वह रहता है उस स्टेज में, उसका कोई कनेक्शन बटरफ्लाई, जो फाइनल बटरफ्लाई है, एडल्ट बटरफ्लाई है, उससे दिखाई देता है। इतना ट्रांसफॉर्मेशन। ओके और कितना जीवन है उसका,
हार्डली मे बी कुछ मंथ्स, 11 मंथ्स, 2 साल या कुछ, उसने में वो इतनी चीज एक्सपीरियंस कर लेती. ओके, सो दैट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन विच आई वॉन्ट यू ऑल टू एक्सपीरियंस, राइट? ओके, सो आप कोई भी बटरफ्लाई जो आपको पसंद है, जो भी आपने तितली देखी हो, जिस रंग की भी तितली आपको पसंद है, उस तितली को आप अब विजुलाइज करें. ओके, तो जस्ट विजुलाइज, चाहे वह पीले रंग की है, मोनार्क जो काली और उसमें धब्बे होते हैं उस तरह की है, या रंग बिरंगे जो भी रंग की तितली है, सुंदर तितली, कितनी सुंदर दिखती है तितली, उसके पंख कितने सुंदर कोमल होते हैं. सो जस्ट ट्यून इन टू द स्पिरिट ऑफ द बटरफ्लाई. जब आप उसके साथ ट्यून कर रहे हैं, जब आप उसको विजुलाइज कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसके साथ एकजुट होना चाहते हैं, तब आपको उसकी परमिशन लेनी, उसकी इजाजत लेनी है, क्योंकि वह जब आपको परमिशन देगी उसके अंदर शेप शिफ्ट होने की, उसके वो बन जाने की, तो ही आप कर सकते हैं. और उसके लिए आपको हाँ या ना कैसे पता चलेगा, जबकि वह तितली आपके आसपास इगत गुगत घूम रही है, जिसको आपने विजुलाइज किया है, आप उसको देख रहे हैं कंटिन्यूअसली, और वो एक तरह से एक ओपननेस दिखा रही है अपने आप को, अपने पंख को फड़फड़ा रही है आपकी तरफ, जिससे कि आपको लग रहा है कि हाँ, आपको परमिशन है टू ट्यून इन टू इट. अब आपको कंप्लीटली यू हैव टू बी प्रेजेंट इन योर सेल्फ. आप जैसे भी हैं, अपने आप को पूरी तरह से एक एक साथ करिए, अपनी एनर्जी को, एंड अपना इंटेंशन है, सो स्टेट योर इंटेंशन टू शेप शिफ्ट एक्सपीरियंस लाइफ ऑफ द बटरफ्लाई. सो यू हैव टू शेप शिफ्ट टू एक्सपीरियंस इट्स लाइफ. अब जो है, आप अपना ध्यान अपने शरीर में सोलर प्लेक्सस की तरफ लेके आइए. सोलर प्लेक्सस चक्रा होता है हमारे शरीर में, हमारे नाभि के ऊपर, 2 इंच नाभि के ऊपर, 2 फिंगर्स रख के आप देखिए, आपका सोलर प्लेक्सस स्टमक एरिया में है आपके. तो जस्ट कनेक्ट टू योर, ब्रिंग योर अटेंशन टू योर सोलर प्लेक्सस. आपके दिमाग में ऑलरेडी एक बटरफ्लाई है, आपने उनसे परमिशन ले ली है, आप उनमें शेप शिफ्ट होना चाहते हैं, आपने अपना यह इंटेंशन स्टेट किया है. अब आपका ध्यान अपने सोलर प्लेक्सस के ऊपर है, और जब आप अपने सोलर प्लेक्सस पे कनेक्ट करते हैं, जस्ट सी इट गेटिंग एक्टिवेटेड. सो जस्ट सी इट बैलेंस एंड मूविंग अराउंड इन अ क्लॉकवाइज प्रॉपर डायरेक्शन. पीले रंग का सोलर प्लेक्सस एरिया होता है, और वहाँ का एलिमेंट है फायर एलिमेंट. सो जस्ट फील अलाइनिंग टू द सोलर प्लेक्सस एनर्जी, द एनर्जी ऑफ द फायर, ऑफ पैश, ऑफ सेल्फ इमेज, कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन, जो होल्ड करता है. अब यू विल जस्ट फील योर कनेक्टिंग टू द सोलर. देर आर चक्रास इन बॉडी ऑफ द बटरफ्लाई ऑल्सो. सो आपके सोलर प्लेक्सस से यू आर कनेक्टिंग टू द सोलर प्लेक्सस चक्रा ऑफ बटरफ्लाई, और जैसे आप उसके चक्रा से कनेक्ट कर रहे हैं, वैसे ही धीरे 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 आपके और चक्रा भी उसके साथ अलाइन हो रहे हैं. सो होल ऑफ योर बॉडी इज गेटिंग अलाइंड एंड फिटिंग इन टू दैट बटरफ्लाई. आपके और उसके चक्रा एक साथ ज्वाइन हो गए, द एनर्जी सेंटर्स हैव ज्वाइन टुगेदर, एंड अब जो है, आप एक सुंदर बटरफ्लाई. और अब आप उसकी लाइफ स्टोरी को एक्सपीरियंस करेंगे. सो जस्ट सी योर सेल्फ बिकमिंग स्मॉल लाइक अ टाइनी एग, क्योंकि उस तितली की शुरुआत हुई थी एक छोटे से अंडे से.
बहुत ही छोटा सा अंडा, जस्ट फील योर इनसाइड दैट स्मॉल एग। आपके अंदर जीवन है और आप अटके हैं एक पत्ती के साथ, सो यू आर स्टक ऑन अ लीफ। देर इज लाइफ इन यू। अपना एनवायरनमेंट देखिए, कौन सी पत्ती है, कौन सा पेड़ है जिस पर आप बैठे हैं, क्योंकि उसी पेड़ की सारी पत्तियों को आप खाएंगे। यू विल ईट द लीव्स ऑफ दैट ट्री ऑन विच यू हैव बीन लेड बाय योर मदर। सो जस्ट ऑब्जर्व विच इज द ट्री। क्या यह पेड़ आपको पहले आपने कभी देखा है? इसकी पत्तियों को क्या आपने कभी पहले ऑब्जर्व किया है? कभी आपका ध्यान इसकी पत्तियों पर गया है पहले, इस तरह की पत्तियों पर? अब जब आप उस पेड़ पर अटके हुए हैं, उस लीव्स पर हैं, धीरे धीरे थोड़े वीक्स में देखिए कि आप उस एग को तोड़कर बाहर निकल रहे हैं। पर जब आप बाहर निकल रहे हैं तो सबसे पहले आप उस अंडे को, जो उसका अंडे का जो शेल है जिसके अंदर आप थे, उसको खा रहे हैं, क्योंकि वही आपका पहला न्यूट्रिशन है, वही आपको सबसे पहला न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। पर अब जब आप बाहर निकले हैं तो क्या आप वह अंडे की तरह लग रहे हैं? नहीं, आप वह अंडे की तरह नहीं हैं। अब आप एक कैटरपिलर की तरह हैं। अगर आपने कभी कैटरपिलर को देखा है तो देखिए कि आप वैसे दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले जब आप अंडे के फॉर्म में थे तो आप कितने फर्क थे, और अब जब आप ये कैटरपिलर के फॉर्म में हैं तो आप कितने फर्क दिख रहे हैं। और अब आपके मन में बहुत, आपको भूख लगी है, आप बहुत कुछ खाना चाहते हैं, पर आप खाएंगे क्या? वो सारी पत्तियां। जस्ट सी योर सेल्फ गैलपिंग डाउन ऑल द लीव्स। आपका पूरा दिन का, पूरे रात भर का यही कार्य है, सिर्फ पत्तियां खाना। उसके अलावा आप कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कार्य है पत्तियों को खाते जाना। और जैसे जैसे आप बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे आपकी स्किन फटती है, कटती है, शेड होती है, और यह सब कार्य क्रिया चलता है 4-5 दिन तक। आप बहुत खाना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि यही एनर्जी को आप इस्तेमाल करेंगे जब आप बड़े होंगे। यू आर ईटिंग एज मच एज यू ट्राई कैन ईट, और आपका साइज जो है वो बढ़ता जा रहा है। आपने शुरुआत की थी एक छोटे से अंडे से, और वो 100 टाइम्स आज आपका यह साइज है। सो इतने थोड़े हफ्तों में ही आप इतने बड़े हो गए। फिर एक समय आएगा जब आप खाना बंद कर दें। अब समय है जब आपको बनना है प्यूपा, और इस प्यूपा को बनने के लिए आपके सारे यह पार्ट्स डिसॉल्व होके एक लिक्विड फॉर्म में, एक हार्ड शेल के अंदर क्रिस्टलिस की तरह एक फॉर्म हो जाएंगे, और यह लटक जाएगा एक ब्रांच पे या किसी पत्तियों के नीचे, और इस तरह से आप लटके रहेंगे 8 से 15 दिनों तक। इस स्टेज में और जो इससे पहले की दो स्टेजेस थी, उसमें कोई भी एकता नहीं है। आप बिल्कुल ही फर्क लगते हैं अभी। कोई आपको पहचान नहीं सकता कि यही वो कैटरपिलर है, यही वह अंडा है जिससे कैटरपिलर आया था, और कैटरपिलर से यह प्यूपा बना। सो देर इज नो रिजेम्बलेंस टू योर आइडेंटिटी। आपकी आइडेंटिटी एकदम घुल गई, और आपकी लाइफ इसके अंदर ही है, इस हार्ड कवर के अंदर।
और कुछ आप कर नहीं सकते, पर इसके अंदर ही पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। हो सकता है यह जो आप लिक्विड हार्ट चीज के अंदर है वे बहुत वीक्स तक यह कार्य चले, आप ऐसे ही लटके रहे। अब आपको कैसा फील हो रहा है जब आप पूरी तरह से इसके अंदर हैं? लेकिन इसके अंदर बहुत बड़े चेंजेस भी हो रहे हैं। आपके सेल्स ग्रो हो रहे हैं, उसमें से पैर बन रहे हैं, विंग्स बन रहे हैं, आंखें बन रही हैं। ये सब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इस प्यूपा के अंदर। टू बिकम एन एडल्ट बटरफ्लाई, और फिर जब आप एक विंग्स आपके धीरे धीरे बाहर निकलते हैं, वो गीले हैं इसके लिए आप उनको ऐसे लटके रहते हैं जिससे कि वह सूख जाए, बराबर से ट्रांसफॉर्म हो सके, उसमें ब्लड पंपिंग होता है। और फिर थोड़े इस टाइम में आप एक सुंदर बटरफ्लाई की तरह उड़ने लगते हैं आकाश में, एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी, एक फूल से दूसरे फूल। आप कुछ खाते पीते नहीं इस समय, सिर्फ कभी कभी थोड़ा नेक्टर्स ले लेते हैं फ्लावर्स से, और इस ब्यूटीफुल फॉर्म में आप कुछ महीने कुछ साल तक रहते हैं, और फिर आपकी लाइफ कम्स टू एन एंड। सो हाउ इज द ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंड एज अ बटरफ्लाई? क्या है आपके लिए सीख जब आपने अपने आप को इस बटरफ्लाई के अंदर शेप शिफ्ट किया? और जब आप पूरी तरह से वह एक्सपीरियंस कर लेते हैं, उसकी लाइफ की जर्नी, उसकी लाइफ का मैसेज, द ब्यूटिफुल मैसेज विच द बटरफ्लाई वॉन्ट्स टू गिव, जो आपके लिए है, हर एक का अपना अपना मैसेज, जो भी उसको समझ में आया या जो उसकी सोच में आया, अब समय है जब हमें अपने आप को इस बटरफ्लाई से अलग करना है। तो उसके लिए सी दैट आप जो भी चक्रास के थ्रू उस बटरफ्लाई के चक्रास से कनेक्ट हुए थे, अब आप धीरे धीरे अपने चक्रास को खोल रहे हो। वो एक तरह से लॉक हो गए थे जब आपने उनके साथ अलाइन किया था। सो सी योर सेल्फ, जैसे कि हम दरवाजा खोलते हैं चाबी से, सी योर सेल्फ दैट यू आर ओपनिंग ऑल द चक्रा। सो यू कैन स्टार्ट विथ सोलर प्लेक्सेस अगेन, एंड स्लोली स्लोली हर एक चक्रा जो है, आपके 7 चक्रास जो मेन चक्रास हैं बॉडी में, आप उनको अलग कर रहे हो, एंड डिस्टेंस बिटवीन दैट बटरफ्लाई एंड यू इज इंक्रीजिंग। आप अपनी आइडेंटिटी में आ रहे हो, बटरफ्लाई आपसे सेपरेट हो रही है, एंड स्लोली स्लोली सी योर सेल्फ कमिंग बैक टू योर ओन फिजिकल रियालिटी। एंड लेट दिस मैसेज, लेट वॉट एवर यू फेल्ट, लेट इट सिंक डाउन आपके पूरी बॉडी में, एंड फिर धीरे धीरे अपने हाथ पैरों को हिलाइए, एंड यू कैन ओपन योर दोनों हाथों को एक साथ मलकर, अपने आंखों पर लगाकर, यू कैन जस्ट ओपन योर आईज एंड कम बैक टू योर फिजिकल सेल्फ। सब लोग आ गए वापस? ओके। देखिए, ये जो हमने किया, आई डोंट आप हम लोग यूजुअली जब भी जर्नी जर्नीज करते हैं, जो भी करते हैं हमारे शमानिज्म में जो करते हैं, तो उसमें एक विजुअलाइजेशन, हमारी सोच, हमारी इमेजिनेशन, हमारी क्रिएटिव थिंकिंग, ये सब चीजों का बहुत महत्व है। क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि ज्यादातर हम हर चीज में हमारी इमेजिनेशन पावर को इस्तेमाल करते हैं, और वही फाइनली हमारी रियलिटी बनती है, राइट?
सो डोंट फील के आप कोई चीज को कुकअप कर रहे हो, कोई चीज को बना रहे हो, कोई चीज को डिस्क्राइब कर रहे हो, और एक्चुअल में वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि थोड़े टाइम बाद ऐसा होगा कि वही चीजें आपको एक्चुअल में हकीकत में होने लगता है, और आप जो देखते हो वही हकीकत बन जाते हैं, राइट? सो दैट इज द पावर जो हम यूज करते हैं, ऑफ पावर ऑफ अ क्रिएटिव माइंड, आर इंट्यूटिव माइंड एंड इमेजिनेशंस, जो आप हम मैक्सिमम इट यूटिलाइज करते हैं शमानिक जर्नी के अंदर. और फिर हम हमेशा जर्नल करते हैं, लिखते हैं हमने क्या एक्सपीरियंस किया, और बहुत कुछ हम एक्सपीरियंस करते हैं जो कि फाइनली जब हम कोलेट करते हैं और उसको ध्यान देते हैं, तो हमें समझ में आता है कि कैसे वो हमारी जीवन में कोई ना कोई चीज को बदलने के लिए, ठीक करने के लिए कैसे इस्तेमाल की जा सकती है. ठीक है, किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, उसके बाद वी विल डू इट. अयोध्या चलेंगे, आप लोग सब तैयार हैं? यस, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, ओके, गुड, ग्रेट एक्सपीरियंस मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू. ओके, अब ये जो अयोध्या का है ये मैंने अपने आप बनाया है. ऑफ कोर्स हर जर्नी हमारी खुद की अपनी क्रिएशन होती है. इसके अंदर जो हम करने वाले हैं वो बेसिकली हम लोग, आप कोई भी एक क्रिस्टल, मरकबा टाइप का, जिसकी 6 पॉइंटेड क्रिस्टल्स होते हैं, अगर आप लोग ने देखा है, या आप एक कोई भी क्रिस्टल, राउंड क्रिस्टल आप सोच सकते हैं, बेसिकली एक आपको व्हीकल चाहिए जिसके अंदर आप बैठोगे. तो ये जो आप बैठ रहे हो वो गाड़ी नहीं है, चाहे आप अगर बग्गी देख रहे हो या जो भी चीज देख रहे हो, वो बग्गी है क्रिस्टल की. जिस कलर के क्रिस्टल की आप चाहते हैं वो कलर आप विजुलाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से. उसमें कोई ऐसा नहीं है कि यही क्रिस्टल होना चाहिए. अगर आपको कोई क्वार्ट्ज क्रिस्टल का करना है, रोज क्रिस्टल का करना है, स्मोकी क्रिस्टल, जो भी आपको क्रिस्टल पसंद है, जो कलर कॉम्बिनेशन आपको पसंद है, जो शेप आपको पसंद है, वह आप उस हिसाब से चूज कर सकते हैं, उस हिसाब से समझ सकते हैं. उसके बाद की जर्नी मैं बोलती जाऊंगी और आपको वो एक्सपीरियंस करना है. ओके, उस एक्सपीरियंस के दौरान हो सकता है बहुत सी चीजें आपको अलग से कुछ भी दिखाई दे, तो घबराइए मत, अच्छी बात है. कोई भी चीज आपको जो समझ में आ रही है, प्रकट हो रही है, आप उसको जस्ट नोट करिए, क्योंकि इसमें हमारा, हम जब शमानिक जर्नी करते हैं हम सो नहीं जाते, ये चीज को ध्यान रखिए, हम हमेशा अवेयरनेस में रहते हैं, हम अपने आप पे ध्यान रखते हैं, हम अपने आप को स्टॉप करते हैं, क्योंकि हमें ऐसा नहीं करना है कि कोई चीज हमारे साथ हो गई और हमें पता भी नहीं चला और हम बाद में उसको समझें. ठीक है, हीलिंग हो सकती है कि बाद में हो जाए, लेकिन किस तरह से हुई, क्या प्रकार से हुई, क्या हुआ, उस चीज को हम हमेशा ध्यान रखते हैं, जिससे कि हम वो चीज को शेयर कर पाए, उस चीज को नोट कर पाए, उस चीज को हम अपने एक मेडिसिन बंडल बना पाए, जिसमें कि हम उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपने फ्यूचर कोई भी जर्नीज में या किसी भी चीज के लिए, राइट? सो इसके लिए अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बीइंग कॉन्शियस इज इंपॉर्टेंट, लेकिन यू कैन गो इन ट्रांस वेयर यू आर इन सेमी ट्रांस, सो यू आर नॉट, यू नो कि आप क्या कर रहे हो, आप किधर जा रहे हो, आप क्या देख रहे हो, दैट्स इट. ओके, ठीक है. अभी यूजुअली शमानिक जर्नी में ड्रम्स भी यूज किए जाते हैं, हम यहाँ अभी ड्रमिंग नहीं यूज कर रहे हैं. दूसरी चीज है, हम मिडिल वर्ल्ड में एंटर नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम क्रिस्टल के अंदर ही रह रहे हैं, क्योंकि मिडिल वर्ल्ड में अलग अलग तरह की चीजें होती हैं जिसमें हमें अभी एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन फिर भी हम 2 मिनट को जस्ट एक्सपीरियंस भी करेंगे, तो भी हम इस क्रिस्टल बॉल के थ्रू ही, क्रिस्टल व्हीकल के थ्रू. ओके, ठीक है. ओके, सो जस्ट अपने आप को पहले शांतिपूर्वक बैठ जाइए, आंखें बंद रहती हैं, और यूजुअली इस टाइम पे हम शमानिक जर्नी में अंधेरा रखते हैं, क्योंकि अंधेरे में शामंस कैन सी इन डार्कनेस, एंड अंधेरा रहता है तो हम एक तरह से उजाले में हमारे ध्यान इधर उधर जा सकता है, तो हमको आंखें बंद रखनी है, एंड
एंड बिफोर जर्नी हम अपने आप को ग्राउंड भी करते हैं, सो यू कैन जस्ट फील योर सेल्फ बींग ग्राउंडेड. सो उसके लिए आप कनेक्ट टू द मदर अर्थ एनर्जी एंड सी योर सेल्फ. आपके रूट्स थ्रू योर लेग्स आर स्प्रेडिंग डीप, यू आर लाइक अ ट्री. तो आपके पैरों के तले जमीन के अंदर आपकी रूट्स जो हैं वह फैल रहे हैं दूर दूर तक. और जब दूर दूर तक फैल जाते हैं और डीप चले जाते हैं तो आप में उतनी ही ताकत, सिक्योरिटी, सेफ्टी आ जाती है. सो जस्ट फील यू आर ऑन दिस मदर अर्थ, यू हैव अ कनेक्शन. मदर अर्थ विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू. एंड देर इज ऑल्सो कनेक्शन टू द फादर स्काई, ऊपर आसमान, जो कि आप इस कॉस्मिक वेब में हैं, जहां पर आपके सर से आप कनेक्टेड हैं टुवर्ड्स दी फादर स्काई एंड थ्रू योर लेग्स यू आर कनेक्टेड टू दी मदर अर्थ एंड सी योर सेल्फ इन दिस लाइट. अब आप एक रूम में हैं और उस रूम में आप शांतिपूर्वक बैठे हैं. आपने अपनी सारी एनर्जीज को अपने अंदर ले लिया है, आपकी एनर्जीज जो कि दिन भर में इधर उधर भटकती रहती हैं, आपका दिमाग, आपका शरीर. अब इस समय हम सारे विचार, सारे अपने अनगिनत तनाव को छोड़ देंगे और अपना ध्यान सिर्फ अपने ऊपर लगाएंगे, अपनी इस जर्नी, क्योंकि हम जाने वाले हैं अयोध्या नगरी. और उसके लिए हमारे पास एक विमान है जो कि क्रिस्टल का है, जो कि खड़ा है हमारे दरवाजे के बाहर. तो सी योर सेल्फ, आपकी एक एनर्जेटिक बॉडी है, एक एस्ट्रल बॉडी है, एनर्जी फील्ड है, वह आपके फिजिकल बॉडी को छोड़ के, फिजिकल बॉडी आपकी यही कमरे में रहेगी, यहीं पर रहेगी, आप उसको छोड़कर बाहर निकल रहे. एंड सी योर सेल्फ वॉकिंग टूवर्ड्स द गेट ऑफ योर हाउस. और जैसे ही आप दरवाजा खोलते हैं, बाहर वह विमान खड़ा है आपको ले जाने के लिए. यह विमान क्रिस्टल का है, जिस भी रंग का आपको दिखाई दे रहा है, जिस भी तरीके का आपको दिखाई दे रहा है, आप उसमें आराम से घुसकर, दरवाजा है उसका, उसको खोलकर उसके अंदर बैठ जाए. और जब आप उसके अंदर बैठ गए हैं, वह बंद हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, और फिर यह विमान उड़ने लगे. धरती से थोड़ा ऊपर, पूरी तरह से आकाश में ऊपर भी नहीं, लेकिन धरती से ऊपर, बीच में धरती और आकाश के. और आपने अपनी इंटेंशन क्लियरली स्टेट की थी कि आपको जाना है अयोध्या, अयोध्या नगरी. तो यह क्रिस्टल विमान जो है आपको ले जाने वाला है अयोध्या नगरी. और इस विमान में जब आप बैठे हैं, आप बाहर देख सकते हैं, आपको खुला आकाश, खुली धरती सब दिखाई दे रहा है. लेकिन आप मन ही मन में बहुत खुश हैं, क्योंकि आप जाने वाले हैं एक नई जगह, जहां पे आपको मन बहुत समय से था जाने का. और उस जगह में आप जो एक्सपीरियंस करेंगे वो एक अद्भुत एक्सपीरियंस होगा. तो उसी विचार से आपका मन बहुत प्रफुल्लित है. और अब धीरे धीरे वह विमान उस नगरी तक पहुंच गया है और वह उतरना शुरू होता है. और धीरे 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 वह धरती के पास पहुंच रहा है. अयोध्या नगरी में है, लेकिन मंदिर से थोड़ा दूर. पर फिर भी इस जगह से आप उस अद्भुत मंदिर को देख सकते हैं. आप उसके अंदर ही बैठे हैं और तभी आपकी नजर जाती है धरती पर पड़े हुए एक पत्थर पर. जब आप उस पत्थर को देखते हैं, तो वह पत्थर कहीं ना कहीं आपका मन मोह लेता है.
और सडनली आप ट्यून कर जाते हैं उस पत्थर के अंदर, अब आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि पत्थर और आप एक ही हैं, और आप कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो उस पत्थर ने एक्सपीरियंस किया है। एंड जस्ट फील, ये पत्थर कड़क है, हार्ड है, किस रंग का है, भूरे काले रंग का, त्रिकोणा है, अलग अलग जगह से कटा पटा है। एंड सडनली यू ट्रेवल इन टाइम, कहीं और ही आपको लेके जा रहे हैं। जस्ट अलाउ योर सेल्फ टू मूव विद दैट स्टोन, और ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत बहुत दूर पीछे की तरफ कहीं गोल घूमता हुआ, बहुत दूर आप एक टनल के थ्रू होते हुए, यू आर जस्ट गोइंग वेरी फार ऑफ। एंड आप जब उस जगह पे पहुंचते हैं जहां वह आपको अब लेके आया है, सडनली यू फील कि आसपास बहुत ही सुंदर सा वातावरण नजर आ रहा है, हर कोई खुश है, आसपास कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, आप पत्थर हैं, आप वहीं जमीन पर हैं, आप पड़े हैं, लेकिन आप सबके आवाजें सुन सकते हैं, लोगों की जो कह रहे हैं उनको सुन सकते हैं। एक प्रकार की खुशी है, एक प्रकार की तरंग है, सब खिलखिला रहे हैं, सब खुशी मना रहे हैं। और तभी आप सुनते हैं किसी बालक की आवाज, जोर से किसी के रोने की आवाज आ रही है, और जैसे ही वह रो रहा है कि तो आसपास के लोग भाग दौड़ के आ रहे हैं और बधाइयां दे रहे हैं, और आप देखते हैं कि आसपास के लोगों की वेशभूषा, उनके तौर तरीके, जस्ट ऑब्जर्व वॉट एवर इज यू कैन सी, कैसी इमारतें हैं, किस तरह के घर हैं, किस तरह से लोग इकट्ठा हो रहे हैं, कौन आया है, किसका जन्म हुआ, किस तरह से खुशियां बांटी जा रही हैं, लोगों में पकवान बन रहे हैं। आप एक स्टोन हैं, आप सिर्फ एक पत्थर हैं, आपकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा, लेकिन आप सब कुछ अनुभव कर सकते हैं, सब देख सकते हैं, सब समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है। और धीरे 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 जस्ट सी किस तरह से जिस बच्चे की किलकारी आपने सुनी थी, जिसको आपने आपकी जिसकी मोहक आवाज आपके कानों तक पहुंची थी, वह बच्चे को आप चलते हुए, कुदकते हुए, कूदते हुए देख रहे हैं अपने सामने, एक बालक सा दिखाई दे रहा है। उसका शरीर कितना सुंदर है, कितना मन मोह रहा है सबका, वही हर कोई उसको देख के खुश है, लोग उसे राम लाला बुला रहे हैं, और वह इधर उधर दौड़ रहा। उसकी माँ को भी आप देख सकते हैं, और किस प्रकार से उनकी माँ खुशी से उसको निहार रही है, वह सब भी आपको दिखाई दे रहा है। सो जस्ट एक्सपीरियंस एवरीथिंग, द हैप्पीनेस ऑफ द प्लेस, किस तरह से हर कोई उसके एक-एक कदम, एक-एक चरण को आगे बढ़ते हुए देखकर खुशी मना रहे हैं।
और धीरे 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 कैसे वह बच्चा बड़ा हो रहा है। उसका रूप अद्भुत है, उसकी शक्ति अद्भुत है, उसका चरित्र अद्भुत है। हर कोई जो देखता है, हर कोई जो मिलता है, वो उन्हीं का होके रह जाता है। और जब आप उनका नाम सुनते हैं, वे राम, कितने सीधे, कितने सरल, कितने सुलभ, हर किसी से प्रेम करने वाले राम, हर किसी को अपना बनाने वाले राम, हर किसी का मन मोहने वाले राम, हर जगह उनकी ही उनका नाम है, हर कोई उनके साथ ही रहना चाहता है। और धीरे धीरे आप देख रहे हैं वो बड़े हो रहे हैं, और भाई उनके साथ, उनके परिवार वाले, हर कोई उनके ऊपर अपना प्यार न्योछावर करता है। और एक समय आता है जबकि वह चले जाते हैं, आप कंकड़ की तरह वहीं पर रह जाते हैं, लेकिन राम अभी नहीं है। वो गए हैं कहीं जंगल में दूर। आपका मन होता है कि काश आप भी वहां तक पहुंच पाते, काश आप भी वहां पे जा पाते, काश आप भी उनके कोई पोटली में पड़ जाते जिससे आप भी वहां पहुंच जाते जहां पर वो थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, फिर भी आपने उनका इंतजार किया, उनके लिए वहां पर रुके। और फिर एक समय आता है जब राम वापस आते हैं अपने अयोध्या नगरी में, अपने राज्य को संभालने, अपने राज्य पर बैठने। आपने वह सब एक्सपीरियंस किया जब वह नहीं थे, किस प्रकार का दुख, दर्द, सब कुछ आपने देखा था। आप भले ही बयान नहीं कर पा रहे, लेकिन आज आप खुश हैं क्योंकि आप वह एक्सपीरियंस कर रहे हैं जिसमें के विजय है, जिसमें के वापस आने की खुशी है। और जब उन सिंहासन पर आप राम को बैठते हुए देखते हैं, तो आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है, भले ही आप एक कंकड़ हैं, एक स्टोन है, लेकिन आप हैं अयोध्या नगरी के, इस पावन भूमि की, जहां पर पड़ा है राम का पैर, उनके शरीर को जिसने एक्सपीरियंस किया है, जिसने उनकी अद्भुत शैली को एक्सपीरियंस किया है। आप वहां के कंकड़ हैं, आप वहां के पत्थर। और धीरे धीरे समय की गाड़ी और आगे बढ़ती है। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, उथल पुथल होती है, वो चीजें बदल जाती, समय परिवर्तित हो जाता, युग परिवर्तित हो जाता है, और समय का घड़ा आगे बढ़ जाता है, घड़ी आगे बढ़ जाती, पर आप आज भी वहीं पर पड़े। अब इतने युगों के बाद, युगांतरों के बाद, आज फिर से हलचल मची, फिर से खुशहाली आई, फिर से ढोल बजे, फिर से आरती की आवाज गूंज सुनाई दे रही, और अब फिर से आए हैं वो रामलाल, वह भगवान की मूर्ति जो बनी है अनगिनत शालिग्राम पत्थरों से, जिनका बहुत महत्व है। आप ही एक कंकड़ हैं, लेकिन आप हैं अयोध्या नगरी के। इतने सालों तक आप वहां रहे,
इतने युगो युगांतर तक आप यहां पर हैं, आप में भी बहुत परिवर्तन आया है। कहां आप इतने बड़े विशाल पत्थर थे और आज आप एक छोटा सा कंकड़ बन के रह गए। लेकिन फिर भी है तो सही, समय बदला है, समय वापस आया है। और आप आज उसको देखकर, उस खुशी को देखकर फिर से वह महसूस कर रहे हैं, अपने पहले वाला समय। और आप जानते हैं और हम सब मानते हैं कि कण कण में है ईश्वर का वास, उनकी कृपा व याद सदियों बीत जाए पर फिर भी वह रह जाती है, उनका कभी अंत नहीं होते, वह अनंत है। तो समय चाहे बदल गया हो पर समय वापस आता है, अंधेरे के बाद भोर आती है, उजाला फिर से आया था। और इस कंकड़ ने अपनी सारी कहानी, सारी विपदा, सब चीजें जो उसने एक्सपीरियंस की, आपने उसको एक्सपीरियंस किया। और अब उस खुशी में आप प्रफुल्लित होकर नाच रहे हैं, गा रहे हैं और बोल रहे हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित मन है तारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप विचारी। And just be in that moment. And slowly, slowly, from that stone, withdraw yourself. Thank that stone. क्योंकि उसने आपको यह सिखाया, बताया, ये एक्सपीरियंस कराया जो एक्सपीरियंस शायद आप कभी ना कर पाते। जिस टाइम, जिस स्पेस में मैं आपको लेके गया, बट नाउ यू हैव टू कम टू योर फिजिकल सेल्फ, योर फिजिकल रियलिटी ऑफ टूडेज रियलिटी। सो स्लोली स्लोली सी योर सेल्फ लीविंग दैट स्टोन एंड कमिंग बैक इन टू दैट क्रिस्टल जिसमें कि आप बैठे थे, और वहां से आप वह अद्भुत नजारा देख सकते हैं। वह मंदिर की स्थापना हुई है, मूर्ति की स्थापना हुई है, आरती हो रही है, जय जयकार हो रही है। राम हमेशा हर एक कण में, हर एक जीव में, हर एक चीज में उन्होंने उसको प्रेम दिया है, उसको सद्भाव दिया है, उसका आदर किया। और यही शमानिज्म है, जहां हम हर चीज को समझते हैं, हर चीज की एनर्जी को समझते हैं, हर चीज से रिलेट करते हैं, चाहे वह छोटी हो या बड़ी। तो यह सबसे बड़ी सीख है सबसे बड़े शामन से, जो कि है राम। सो व्हेन यू हैव एक्सपीरियंस दैट, जस्ट एक्सपीरियंस द फेस्टिविटी, एंड फिर आपका वो विमान जो है वह ऊपर की तरफ वापस आने का समय आ गया है, जब आपको इस नगरी से दूर जाना है वापस। लेकिन आप फिर आएंगे, कभी भी आ सकते हैं, कभी भी आप वहां पे पहुंच सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पर आज का जो एक्सपीरियंस है वो अलग ही अद्भुत एक्सपीरियंस है, जो हमेशा यादगार रहेगा। सो जस्ट नाउ सी दैट व्हीकल, क्रिस्टल व्हीकल, वो उड़ना शुरू करती है एंड अगेन इट कम्स बैक आपके दरवाजे तक। अपने दरवाजे पर आप उस क्रिस्टल से बाहर निकलते हैं, अपने पैरों को जमीन पर रखकर आप अपने दरवाजे तक जाते हैं,
आपके एनर्जेटिक बॉडी जो है, दरवाजा खोलकर वह अंदर आती है। एंड व्हेन यू कम इनसाइड, आपकी फिजिकल बॉडी जहां बैठी है, यू विल जस्ट स्टैंड एनर्जेटिक बॉडी इन फ्रंट ऑफ इट। एंड जैसे ही वह खड़ी होती है, इट गेट्स अलाइंड आपकी फिजिकल बॉडी से। जस्ट लेट दैट इमोशन, जो भी एक्सपीरियंस आपने किया है, लेट योर फिजिकल बॉडी फील दैट। और धीरे धीरे अपने हाथों को, पैरों को हिलाइए, अपने शोल्डर्स को रोल करिए, अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ मलकर अपनी आंखों पर लगाइए। एंड जस्ट विद द फीलिंग ऑफ जय श्री राम, ओपन योर आईज एंड थैंक एवरीवन फॉर ऑल द एक्सपीरियंस दे हैव गिवन अस, ऑल द स्पिरिट्स जो भी समय आए, एंड द क्रिस्टल व्हीकल जिसने आपको उस तक पहुंचाया, वह पत्थर जो आपको जिसने सब रिलेट किया, और जो भी आसपास चीजें थी, कैसे उन्होंने आपके एक्सपीरियंस को एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस बनाया। सब लोग आ गए हैं वापस? यस मैम, काफी अच्छा लगा मैम। थैंक चलो। नहीं, मोस्ट वेलकम। सो बेसिकली हमको ये चीज याद रखनी है कि राम के जो विचार थे वो बहुत सिंपल थे। राम भगवान हमेशा, आप उनकी पूरी स्टोरी, उनकी पूरी गाथा में कुछ भी जो भी आप देखो, वो उनके तौर, उनके तरीके, उनके जो भी उन्होंने किया, उसमें हमेशा हर किसी को उन्होंने बहुत सम्मान दिया, बहुत इज्जत दी, बहुत कनेक्ट किया, चाहे वह पत्थर हो, चाहे आपको मालूम है कि वो पत्थर पे पैर रखा था तो वो शिला वो बन गई थी। और तो भगवान के जो चरण थे वो भी इतने मतलब किसी पे पड़ जाए, पर ये पत्थर फिर भी अभी तक वहां पड़ा है। यही विश्वास के साथ हम उस पर गए, उसके पास गए थे, और वह उसने अपनी सारी गाथा, सारी कहानी अपने आप बताई हमको, राइट? ओके, सो नाउ आई विल एंड। वेरी डीप मैन, थैंक यू सो मच। वेरी डीप मेडिटेशन, वेरी डीप। ओके, या ऐसे जो मेरे को विचार आया, जो मुझको लगा, मैंने उसको सिर्फ एक, देखिए जो शमानिज्म है, ऑफ कोर्स वो एक रिलीजन नहीं है, वो स्पिरिचुअल है। सो ऐसा नहीं कि हम कोई रिलीजियस उससे कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी जो है वो उससे और ऊपर है, क्योंकि रिलीजन्स उनके बाद आए हैं, और कहीं ना कहीं मे बी दे ऑल्सो हैव सम प्लेस प्ले, लेकिन वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स, सो विद दैट स्पिरिट आई हैव कनेक्टेड टू दैट स्पिरिट। ऑलमोस्ट ओके, नो डाउट। सो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग। एंड अगर आपको कुछ डिटेल्स थैंक यू मैम चाहिए, फॉर हाँ, आपको और किसी को कुछ शेयर करना है, कुछ पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं। बस मैम, टाइमिंग्स सुबह का हो जाएगा तो बेस्ट है, बाकी सब ठीक। हाँ, सुबह का टाइमिंग, एक मिनट, ये है कोई हैगा एकेडमी से यहाँ पे? आई थिंक हाँ, इसमें डाला, जो भी डाला है टाइमिंग्स वो लिखा होगा, नहीं तो सैटरडे संडे को 11 बजे वही वही टाइम रहे। फॉर मैम, फॉर अस दिस टाइम इज ओके। फॉर हाँ जी, हाँ, अस दिस 4 o'clock वी आर गॉट यूज्ड टू शमानिज्म टाइम। हाँ या फॉर आवर बैच सो दिस इज ओके। लेट्स सी सी मैम। देयर आर टू टू बैचेस, या तो मैं मंडे एंड वेडनेसडे को 4 बजे हो सकता है, या फिर सैटरडे संडे को 11 बजे हो सकता है।
है ना, वो भी आप हमारी ये शमाने सब खत्म होएगा उसके बाद शुरू हो पाएगा अगर हम मंडे और वेडनेसडे को रखते हैं। आपको सैटरडे भी आप नहीं रहते हो छुट्टी? अच्छा सैटरडे आपको इज मैम, सैटरडे मॉर्निंग वर्किंग, संडे इट्स ओके, सैटरडे इज अ वर्किंग डे, ओनली सेकेंड सैटरडे आई गेट अ हॉलीडे। ठीक है, एनी वे लेट मी सी, या मैम, बात कर लेते हैं उस पे क्या है। ठीक है, हाँ नुसर जी कुछ पूछ रहे हैं आप, सॉरी। जी मैम, आज 4 o'clock होगी क्लास या नहीं? हाँ, क्लास है, क्लास है, 4 o'clock क्लासेस है आज, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सो प्लीज अटेंड। मैम ये कब से ये स्टार्ट नया कोर्स होगा? का वेबिनार है मैडम का, हमारा हाँ कोर्स जी, रहेगा, और ये वेबिनार है अभी जो चल रहा है वो वेबिनार है नया कोर्स के लिए, हमारा हाँ क्लास तो रहेगा। करेक्ट राइट, क्या बोल रहे हैं नरेन जी? मैम ये कब से स्टार्ट होगा? वही अगर आप देखिए पहले तो कुछ 4 तारीख की बात कर रहे थे, लेकिन वो अगर सैटरडे संडे को होएगा, पर अगर आपका आपको 4 4 बजे भी नहीं चलता है मंडे नहीं, वेडनेसडे? 4 बजे तो मेन काम रहता है एक्चुअली, नहीं तो मैं वो भी ज्वाइन करना चाह रहा था। हाँ विजिट्स रहती है मेरी वास्तु की एक्चुअली, तो मुझे, मैं होता नहीं हूँ सुबह, तो मैं मैनेज कर लेता हूँ जैसे तैसे। ओके, अच्छा ठीक है, मैं बात करती हूँ, पर फिर अगर हफ्ते में एक ही दिन रखेंगे तो भी चलेगा क्या सबको? वो देख लीजिए आप जैसे भी ठीक लगे, बाकी मैं जैसे कि सिर्फ मॉर्निंग का संडे को रखें, चलेगा। एनीवे खैर उस पे बात तो एक सिर्फ संडे होगा क्लास ना मैम, बार। हाँ हफ्ते में एक दिन, मतलब सिर्फ संडे होगा क्लास, हाँ करेक्ट करेक्ट, तब सभी ज्वाइन कर सकते हैं, संडे हाँ हो करेक्ट, तो सब ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ फिर ये कर सकते हैं हम कि बाकी मैम को भी जैसे करना ही है तो संडे को ये, मतलब हर संडे रख लेते हैं, तो मॉर्निंग में सबको इजी हो जाएगा। That will be better. हाँ Perfect. ओके ठीक है, वैसा कर ले, हाँ टाइमिंग चाहे तो थोड़ा लंबा भी हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, राइट। हाँ अगर आप लोग को हम चाहे चलेगा उसको तो, एक्सपांड कर लेते हैं, 2 की जगह 3 घंटा कर लेंगे तो वैसे कवर हो जाएगा। मैडम हाँ नहीं वैसे भी कर को सकते हैं, स्ट्रेन पर नहीं होना है, टैक्स, हाँ क्या करें, मैडम शुड नॉट फील स्ट्रेन बिकॉज फॉर यू टॉकिंग विल बी कंटिन्यूअस एंड यू विल हैव लॉट ऑफ मेडिटेशन। हाँ मेडिटेशंस आर मोर, और दूसरी चीज है आई डोंट वांट के आप लोग ट्यून ऑफ हो जाओ, यू नो, क्योंकि क्या होता है कि आप 2 2 मेडिटेशन के बैठे हैं, उसके बाद आपको लगे कि बहुत ज्यादा हो रहा है अभी सर के ऊपर, सो डजेंट मैटर, वी विल ज्यादा टाइम के लिए जाएगा ना, वही होगा ना क्लास जो हाँ है हाँ वो, राइट राइट दैट इज बेटर ना इंस्टेंट, बिकॉज क्या है सी आई वॉन्ट एवरीबडी टू एक्सपीरियंस ऑल्सो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं सिर्फ सिखा रही हूँ और लोग कोई चीज का एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं या कोई चीज को हाँ मैम, तो थोड़ा। संडे से फाइनल कर दो, मजा आएगा फिर। जय करें। हाँ ठीक है संडे को कर लेते हैं 11 बजे, परफेक्ट, एक थैंक ठीक है, यू, ओके थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, थैंक ओके, थैंक यू एवरीवन, यू, थैंक एंजॉय यू योर मैम। डे सर जी। कुछ और भी पूछना है आपको तो सर जी, आपका हाथ, कुछ और बोलना चाहती हैं आप? नहीं मैम, ठीक है। अच्छा ठीक है, प्रमिला सब ठीक है ना, आप ठीक है ना? यस मैम, चलेगा, हाँ एक दिन वो बेटर रहेगा, धीरे ओके ठीक है, ठीक धीरे है चलेंगे। यस ओके, थैंक यू, थैंक यू मैम, अच्छा थैंक थैंक यू मैम। यू, ओके चलो।